हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर अब 2:15 बजे सुनवाई होगी। न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों को अपने अपने केस के समर्थन में नजीरें पेश करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने क्षेत्राधिकार को लेकर व याचिका के जनहित याचिका के तौर पर ना दाखिल करने पर याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए। वहीं न्यायालय ने भी बहस के दौरान याचिका अधिवक्ता से पूछा कि जो प्रश्न इस याचिका में उठाया गया है वो हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 में कैसे तय कर सकती है। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई मंगलवार को टल गई थी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलकर जांच के आदेश की मांग की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। खबर सबकी, सीधे आप तक।